हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में पैसिव वॉइस बनाने के जनरल रूल्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जनरल रूल्स का मतलब होता है सामान्य नियम, और ये सामान्य नियम ऐसे नियम है किसी भी तरह का सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना होता है तो इनका पूर्णतः चाहे अंशतः प्रयोग करना ही करना होता है। किंतु जब टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंसेस के पैसिव वॉइस में केवल जनरल रूल लगते हैं और जनरल रूल पूर्णतः लगते हैं। पूरे ये पांच जनरल रूल से इनसे ही सारे टेंसेस का पैसिव वॉइस बना लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि टेंसेस का पैसिव वॉइस जनरल रूल से बनता है, लेकिन जनरल रूल से और भी डिफरेंट सेंटेंसेस का भी पैसिव वॉइस बनता है जिनमें इनका अंशतः या पूर्णतः प्रयोग होता है। तो शुरू करते हैं जनरल रूल्स क्या है पैसिव वॉइस बनाने के। पहला है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, बिकम्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का। जरा देखिए, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल यह एक्टिव वॉइस का है, नीचे वाला भी एक्टिव वॉइस का है। तो क्या कहा जा रहा है पहला रूल कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट हो गया ना, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, यह सब्जेक्ट हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया और यह वर्ब हो गया। तो कह रहा है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है और लेटर, तो यहाँ पे और लेटर सब्जेक्ट बन जाएगा। वापस जाते हैं, देख लिया ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ये क्लियर हो गया। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और नॉट ओनली सब्जेक्ट, जो सिंटेक्स के रूल होता है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे और लेटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जिसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज, एम या आर, इन तीनों में से ही कोई एक होता है। तो अब इज, एम, आर में से कोई एक और लेटर के बाद रहेगा, वह आप जानते हैं क्लियरली कि इज ही रहेगा और लेटर इज। फिर वापस हमने क्या कर दिया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट अनुसार हेल्पिंग वर्ब डाल दिया है। वापस जाते हैं, पहला एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, तीसरा V3 इज ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस। अब तीसरा क्या करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे, V3 इज ऑलवेज इन पैसिव वॉइस आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हाँ, सीक्वेंस में लिखा है, मतलब पहला काम करेंगे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने में, दूसरा काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने में, तीसरा काम करेंगे V3 लिखेंगे। तो V3 लिखते हैं, अब जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस का उसका थर्ड फॉर्म। यहाँ राइट्स है जो कि पांचवें फॉर्म में है, तो मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म तो आप सब जानते हैं, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, रिटेन हो गया। तो हमने तीन रूल लगा दिया है, पांच रूल है। पहला रूल क्या किया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया, फिर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के अनुसार जो भी नियम थे हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद हमने जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब यूज हुआ है उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है पैसिव वॉइस में। अब है चौथा रूल, चौथा रूल क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे, जो बाय का प्रयोग करेंगे, अब V3 लिखने के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा कुछ भी कर दीजिए, क्या लिखा है बतलाता हूँ बाद में। तो V3 के बाद बाय का प्रयोग करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करेंगे, चाहे वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बात एक ही है। अब देखिए
चार रूल लगा दिए हैं, पांचवा रूल पे जाते हैं। पांचवा रूल है, चौथा क्या था, बाय इज जनरली यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले और चाहे पैसिव वॉइस के V3 के पहले बाय का प्रयोग कर लेते हैं, कभी भी कर लीजिए, बात एक ही होती है। तो यही किया चौथा रूल में। पांचवा रूल क्या करेंगे, बाय लिख देंगे तो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। देखिए अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, तो यहाँ राम है तो राम ही हो जाएगा। इस तरह से हमने इन पांचों जनरल रूल्स की सहायता से चेंज कर दिया पैसिव वॉइस एक सेंटेंस जो है राम राइट्स अ लेटर। इसका पहला रूल क्या किया कि यह जो एक्टिव वॉइस है इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो फिर यहाँ पे इज ही आएगा, फिर जो वर्ब यूज हुआ है एक्टिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म लिख दिया, और वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाद हमें बाय लिखना होता है, चाहे ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखना होता है, बात एक ही होती है। बाय लिखने के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में लिखा जाता है। जरा दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे क्या है, सेम रूल लगाएंगे हम। दूसरा भी ही कॉल्स मी, यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से ही कोई एक होगा, बनाते हैं। पहले क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहला रूल पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे मी, लेकिन जैसे ही प्रोनाउन रहेगा ना तो प्रोनाउन में केस बदलेंगे, केस बदलेंगे। अगर जो ऑब्जेक्ट होता है अपने जगह पे होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जो सब्जेक्ट जगह पे होता है सब्जेक्टिव केस में होता है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या होता है, आई का, सॉरी मी का आई होता है, आपको बतलाऊंगा अभी, यहीं पे देखिए। प्रोनाउन चेंज जब करेंगे, इसके पहले सेंटेंस में क्या था, प्रोनाउन नहीं था, यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे अ लेटर था, नाउन था, तो नाउन नाउन तो नहीं बदलता है, आप उसको ऑब्जेक्ट करें चाहे सब्जेक्ट करें चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन रहेगा तो ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, तो इसका केस बदलना पड़ेगा, और ऐसे बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं, आई का मी होता है, आप जानते हैं पर्सन तीन होता है, फर्स्ट थ्री, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में दो, आई और वी, आई का नॉमिनेटिव केस आई है तो इसका मी है ऑब्जेक्टिव केस, फिर वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम होता है। तो अगर हम, अगर सब्जेक्ट जब पे आई है और इसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे आई नहीं लिखेंगे, वहां पे मी लिखेंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट जब पे वी है उसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे हम अस लिखेंगे, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू में बदलाव नहीं होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ही सब्जेक्ट जहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट जहाँ पे लिखना पड़ेगा तो हिम लिखेंगे, फिर ऐसे ही शी रहेगा सब्जेक्ट जहाँ पे, उसको ऑब्जेक्ट जहाँ पर जाकर लिखना पड़ेगा तो हर लिखेंगे, ईट का बदलाव नहीं होता है क्योंकि सेम होता है। दे को सब्जेक्ट जगह के बाद अगर बदलाव करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में तो देम लिखना पड़ता है, और इसका उल्टा भी, अगर मी ऑब्जेक्ट जगह पे है और सब्जेक्ट जगह पे मी को लिखना है तो मी नहीं लिखाएगा, इसका नॉमिनेटिव केस लिखाएगा, आई लिखाएगा। तो आपको याद रखना है कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी देखिए, आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, राइट। तो केस भी बदल जाएगा अगर प्रोनाउन रहेगा, तो यहाँ पे मी है तो सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस में मी आएगा, आई, अब आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम, आई एम, और वी वर्ब क्या है, कॉल्स है, कॉल मेन वर्ब होता है तो इसका कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, आई एम कॉल्ड। और V3 लिखने के बाद क्या करते हैं, फोर्थ रूल, बाय लिखते हैं, और बाय के बाद क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखते हैं, करते हैं, तो ही है जो कि नॉमिनेटिव केस में है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट करना है तो ही का हीम होगा। तो आपको ध्यान रखना है, फुल स्टॉप, ध्यान रखना है कि आई का मी,
वी का अस, यू का यू, ही का हिम, यह सब करना है। सब्जेक्ट जगह पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट में ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्ट पर रहेगा तो सब्जेक्ट में ऐसा रहेगा। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, इसके बिना नहीं बन पाएगा प्रोनाउन वाला। तो हमने क्या देखा अभी, हमने देखा जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, इसमें पांच रूल है। पहला क्या कहा कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा कहा कि फिर सब्जेक्ट जब बन जाता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जब मिल जाता है तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के रूल्स भी, सिंटेक्स के रूल भी, उनके अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम वहां पे लिखते हैं पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद कुछ सोचते नहीं, जो मेन वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर कुछ नहीं सोचते, हम बाई लिखते हैं, बी वाई बाई। बाई लिख देने के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना पड़ता है। यह है पांच रूल। तो आप सबको अगर टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो पांचों रूल पूर्णतः लागू हो जाएंगे टेंसेस पे। और रूल नंबर एक में कोई बदलाव नहीं होता है, रूल नंबर दो में कोई बदलाव नहीं, तीन में कोई बदलाव नहीं, चार में कोई बदलाव नहीं, टेंस के अनुसार केवल हेल्पिंग वर्ब बदलते जाएगा। मैं क्या कहा था आपको, देखिए मैं कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज एम आर होता है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रखा था, इज एम आर होता है। ऐसे ही दूसरे दूसरे टेंसेस का भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होता है, अभी जो अगला लेक्चर आएगा वॉइस से संबंधित, वह पूरे टेंसेस को ही कवर कर लेगा, जहाँ पे टेंसेस से रिलेटेड इश्यू दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जनरल रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे जो बताया जा रहा है। पांचों जनरल रूल्स याद रहने चाहिए आप सबको, हाँ। और इसमें पांचों में केवल दो नंबर रूल है जो डायनेमिक होता है, बदलते रहता है टेंस के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब बदलते रहता है, बाकी जो है वह तो करना ही करना होता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, पैसिव वॉइस का बनता है, हर में बनता है। वी थ्री का प्रयोग करते हैं सारे सेंटेंसेस में करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं वी थ्री के बाद ये भी सारे सेंटेंस में करते हैं टेंस के। और फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, सारे सेंटेंस में होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगता है। कोई पर्टिकुलर टेंस का पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम अगले वॉइस से रिलेटेड लेक्चर में समझ जाएंगे पूरी तरह से। तो आपको ध्यान रखना है जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, जिसका प्रयोग टेंस में तो पूर्णतः करते हैं, बाकी डिफरेंट तरह के जैसे कि डबल ऑब्जेक्ट का आप पढ़ेंगे वहां पे, आप पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स का वहां पे, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पढ़ेंगे वहां पे, आप निगेटिव सेंटेंसेस का पढ़ेंगे वहां पे, आप डिफरेंट और भी डिफरेंट तरह के भी सेंटेंसेस हैं, उन सब का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। हर जगह पे इस जनरल रूल का प्रयोग है, आंशिक रूप से ही है लेकिन है जरूर। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।